अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। क्या सच में हकीकत में पाकिस्तान और ईरान एक साथ मिलकर जो है इसराइल पर हमला करने वाला है? और कुछ ऐसे बयान ईरान की जानिब से भी आ रहे हैं कि उसमें कहा जा रहा है कि इसराइल, अगर तूने भागना है तो भाग, तुझे भागने की जगह कहीं मिलती है तो तुझे मौका दे रहे हैं, भाग जा, नहीं तो हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है लेकिन तेरे लिए जो हिजबुल्ला ही काफ़ी है। अब से कुछ महीने पहले अगर देखें तो ईरान और पाकिस्तान में काफ़ी कशीदगी आपको देखने को मिली कि ईरान ने जो है ड्रोन से हमले किए पाकिस्तान पर, एक किस्म का इनका तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अचानक अब ऐसा क्या हुआ कि ये दो देश जो हैं ये एकदम से दोस्ती में बदल गए? इसकी असल हकीकत वजह क्या है? वजह नज़र आ रही है इसराइल। साफ कहा गया नितन्याहू को कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है लेकिन तेरे लिए जो है हिजबुल्ला ही काफ़ी है। और कुछ माह पहले के ऐसे हालात थे लेकिन सैयद इब्राहिमी का इस्लामाबाद में ताबड़तोड़ किस्म का इस्तकबाल पाकिस्तान ने किया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं कोई किसी को नहीं बता सकता, लेकिन रुकिए, न्यूज़ विद हारून में आपको तमाम चीज़ों से आगाही दी जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जाएंगे भी हम गुलान हाइट की तरफ से और वहाँ पर जाके अपना फतह का झंडा गाड़ेंगे। तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ, तुम्हारे पास मौका है अभी भी। क्या वाकई ही एशिया में जंग का सीमा हो गया है? क्या वाकई ही हकीकत में जो है ईरान मुस्लिम मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है इसराइल के ख़िलाफ़? क्या वाकई ही पाकिस्तान जो है ईरान के साथ मिलकर बहुत बड़ा एक हमला करने वाला है इसराइल पर? पूरी दुनिया में जो है इसका तलतलाहट मची पड़ी है कि सैयद इब्राहिमी जो है अचानक जो है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा क्यों किया, इसके पीछे क्या हकाइक है? क्या वाकई ही ईरान जो है मुसलमान जो है उसके साथ मिलकर क्या वाकई ही इसराइल पर एक ताबड़तोड़ हमला करने जा रही है? तो इसका जवाब है कि हाँ भी और ना भी, लेकिन ये देखते हैं कि इसके हकाइक इसमें कहाँ पर हमें लेके जा रहे हैं। लेकिन जो सैयद इब्राहिमी है उनका पाकिस्तान में इस वक्त आना एक बहुत बड़ा तनाज़ा बन चुका है, जिसकी नज़र जो है अमेरिका का भी इस पर नज़र है, अमेरिका की भी, और अमेरिका जो है वो इसको किस लिहाज से देख रहा है इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधा धमकी लगाई थी कि मैं तुम्हारे पर पाबंदियाँ लगा दूँगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसको रद्द करते हुए तमाम तनाज़े दूर करते हुए ईरान को वेलकम किया है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ हाथ मिलाने के बाद रूस तक भी रसाई हासिल करे और वहाँ पर भी अपने तल्लुकात अच्छे करे। इससे पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और ईरान को तो जो होना ही है वो होना है। गजा की भी आग लगातार जल रही है। जब से ईरान ने हमला किया इसराइल पर थरथली मची हुई है, हर तरफ समाज जंग का है, पूरे एशिया में थरथली मची हुई है कि अब क्या होने जा रहा है। इसी सूरत में जो है ईरान का जो है उमते मुसलमान मुल्कों की तरफ रजू है, जिसमें सबसे टॉप लिस्ट पर पाकिस्तान है जो कि एक एटमी मुल्क है, एटमी हथियार रखता है। और इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान के साथ ईरान दोबारा अपने तल्लुकात बहुत दोस्ताना माहौल में बहुत आगे निकल चुका है इस माहौल में, अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर क्या इसराइल पर अटैक कर रहा है, रूस जो है उसकी भी सपोर्ट हासिल है, क्या इसराइल जो है अब सफ़े हिस्ती से मिटने वाला है। ये तमाम हकाइक, हमारे साथ जुड़िए रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी चैनल पर नहीं हैं तो, और वीडियो में अभी जुड़े रहिए, बहुत कुछ वीडियो में आपको बताने वाला पड़ा है। अभी ईरान और इसराइल के बीच जॉर्डन है। जब ईरान ने मिसाइलों से ड्रोन से हमला किया तो जॉर्डन ने ही उसमें से काफ़ी जो मिसाइल ड्रोन थे वो मार गिराए और उनकी फजाइया ने भी जो है अपने फाइटर जेट्स की मदद से काफ़ी ड्रोन्स को नकारा बनाया, जिसके काफ़ी आलात ज़रात जो ज़मीन पर गिरे लेकिन काफ़ी हद तक जो है किसी का जानी नुकसान होने की अतला नहीं हुई, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ है इनका। इसके अलावा जो है अमेरिका जो है वो पूरी तरह से फ्रांस अमेरिका तमाम जो उसका तमाम असला बारूद हर चीज़ जो है
इसराइल को सपोर्ट कर रही है, चाहे रूस ईरान के साथ सिर्फ टेलीफोन पर उनका रबता हुआ है लेकिन उस रिलेशनशिप में कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसराइल में 6 ऐसे मिसाइल जो हैं उन्होंने खुद ही हमला उन पर किया है और उसको नकारा भी बनाया है और उनके ज़रात ज़मीन पर आने से पहले ही उसको ख़त्म तबाह कर दिया गया है। ये सिर्फ़ इसराइल ने जो टेस्टिंग किया है कि अगर हमारे पर कोई मिसाइल या कोई ऐसा चीज़ आती है तो हम उसको डिफेंस सिस्टम के ज़रिए कैसे नकारा बना सकें। तो दूसरी तरफ ईरान हमला तो कर बैठा है लेकिन ईरान जो है वो अब इस बात पर परेशान है कि अब अगर इसराइल ने उसके न्यूक्लियर सिटीज़ पर या उस पर हमला कर दिया तो वो उसको कैसे मैनेज कर पाएगा, कैसे रोक पाएगा। ये तमाम सूरत हाल को देखने के लिए ईरान जो है मुख्तलफ जो है अपने इस्लामी भाइयों से रबते में है, जैसे पाकिस्तान में भी उसने रिसेंटली जो है विज़िट किया है जिसमें खुफिया ज़राए से मुताबिक तमाम तरह की जो है सपोर्ट हर तरह का चीज़ देने का उसमें वादे वफाएँ किए गई होंगी। लेकिन ताहाल ये बात अभी सामने खुलकर नहीं आई कि पाकिस्तान जो है क्या ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करेगा। बात यहाँ पर ही रह जाती है और सवाल भी यहाँ पर ही जन्म दे देते हैं तमाम, और इसके जवाब जो हैं अगले गुज़िश्ता कुछ रोज़ में सामने आएंगे कि क्या पाकिस्तान की सपोर्ट्स पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को किन हालात में और किन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान पर तो पाबंदियाँ हैं ही हैं लेकिन अगर पाकिस्तान भी इस जंग की दौड़ में कदम रखता है तो पाकिस्तान को भी बहुत से मसले मसाइल और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।